हेलो एवरीवन, मैं उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS Cube Tech YouTube चैनल। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो पेड टूल्स होते हैं उनकी एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। उसी में हम लोगों ने देखा था कि RFs का जो हमारा कीवर्ड एक्सप्लोरर का फंक्शन होता है, कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल होता है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं और उसमें कौन कौन से हमें ऑप्शन मिलते हैं, कौन कौन से फंक्शन मिलते हैं, चीज को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ली थी। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे साइट एक्सप्लोरर के बारे में। तो RFs का जो साइट एक्सप्लोरर का फंक्शन है या जो साइट एक्सप्लोरर का टूल है, वो बेसिकली काम करता है बैकलिंक्स प्रोफाइल को एनालाइज करने में। अब वो चाहे बैकलिंक्स आपके भी हो या आपके कॉम्पिटिटर के, आप दोनों के ही बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स है, चाहे वो डोमेन लेवल पर हो, चाहे वो किसी पेज लेवल पर हो, चाहे सब डोमेन लेवल पर हो, उनकी एनालिसिस करने में आपको RF का ये वाला फीचर हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से जो साइट एक्सप्लोरर है वो काम करता है RF में। सीधे चल देंगे लैपटॉप स्क्रीन की ओर और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हो मैं आ चुका अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपको सीधे जाना है साइट एक्सप्लोरर के ऊपर। साइट एक्सप्लोरर पर जाने के बाद आपको यहां पर डोमेन एंटर करना है, या आप चाहें तो आप अपना URL एंटर कर सकते हैं। तो मैं एक बार डोमेन से शुरुआत करता हूं, ठीक है। और एक बार मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो हमारी WS Cube Tech है, यही हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। आप चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर सकते हैं। और यहां पर डोमेन ही सेलेक्टर रखता हूं मैं। चाहें तो आप बहुत सी चीज़ें एग्जैक्ट URL चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका ब्लॉग है, इंडिविजुअल ब्लॉग वगैरह जब आपके होते हैं, उस केस में आप एग्जैक्ट URL प्रेफर करते हैं। उसके बाद मैं सर्च करूंगा तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अब यहां पर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको RFs रैंक मिल जा रही है, देन आपको यहाँ पर URL रैंक मिल जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डोमेन रैंक मिल जा रही है। तो डोमेन की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द बैकलिंक्स, वो आपको यहाँ पर दिखती है। URL की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द बैकलिंक्स, वो आपको यहाँ पर दिखती है। इनकेस अगर आपने डोमेन ही यहाँ पर एंटर किया हुआ है तो ये आपके होम पेज को ले लेता है। और उसके बाद बैकलिंक्स के नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। बैकलिंक्स के पूरे नंबर्स दिए हुए यहाँ पर, कितने एक्वायर किए आपने, रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है। एक डोमेन से हो सकता है एक से ज्यादा बैकलिंक्स आपको मिल रहे हो, तो रेफरिंग ओवरऑल डोमेन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जिन पे आप जो है आपकी वेबसाइट रैंक करती है, अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स जिनमें आपकी वेबसाइट टॉप 100 में रैंक करती है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, वो नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हैं। वो नंबर्स हैं लगभग 3200, ठीक है। तो 3200 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी जिन पर आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो डोमेन है वो रैंक करता है। देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक का काउंट है यहाँ पर, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, एंड देन ट्रैफिक वैल्यू, यानी इतना ट्रैफिक अगर PPC आ रहा होता तो आपको कितनी वैल्यू पे करनी पड़ती। तो ये क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट में ओवरव्यू है ना, तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू दिया हुआ है, पूरी बैकलिंक प्रोफाइल यहाँ पर बनी हुई। देन ऑर्गेनिक सर्च के बारे में पूरा आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगी, ठीक है। देन पेड सर्च के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकेस अगर आपने इस डोमेन के थ्रू कोई एड रन किया, यानी कि ये अगर लैंडिंग पेज, इस डोमेन से रिलेटेड कोई लैंडिंग पेज था, तो वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती। आ जाते हैं लेफ्ट वाले नेविगेशन के पास, जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप बैकलिंक्स के ऊपर जाएंगे तो पूरा बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बैकलिंक्स से मिलेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ग्रुप भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आप देखना चाहते हो कि जो बहुत सारे डोमेन से आपके पास बैकलिंक्स आ रहे हैं, आप देखना चाहते हो केवल एक ही लिंक उस पर डोमेन हम देखना चाहें ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो यहाँ पर, तो वो भी आप काम कर सकते हो। ऑल चाहो तो ऑल कर सकते हो, सिमिलर बैकलिंक्स को एक साथ ग्रुप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल सबसे ब्रॉड है। देन लिंक टाइप है जिसके बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहो, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहो, लैंग्वेज, ट्रैफिक के बेसिस पे अगर आप करना चाहो, तो बहुत जो ये फिल्टर के ऑप्शंस आपको दिए होते हैं ये बेस्ट है। किसी भी पेड टूल्स में अगर आप जाएंगे तो फिल्टर के ऑप्शन को जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर वाले वीडियो में बताया था कि जितने अच्छी तरीके से आप फिल्टर्स को यूज़ करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए अपनी एनालिसिस करना, चाहे वो बैकलिंक्स की हो चाहे वो कीवर्ड की हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये रेफरिंग पेज, ये जहाँ से बैकलिंक आ रहा है और इसका DR UR दिया हुआ है। रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, 112 हैं, ठीक है। लिंक्ड डोमेन्स कितने हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सटर्नल लिंक्स जो रेफरिंग पेज के हैं वो, मंथली ट्रैफिक, नंबर ऑफ कीवर्ड्स, एंकर एंड बैकलिंक, जो आपका अपना बैकलिंक है, एंकर है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इससे कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये एंकर टेक्स्ट है, नो फॉलो बैकलिंक है, और ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन है। बट अगर आप यही सोचिए आपकी, अगर आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी इन्फॉर्मेशन होती तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये आपका बैकलिंक बना हुआ है, ये आपका एंकर टेक्स्ट है, ठीक है। ये रेफरिंग पेज है जहाँ से आपको बैकलिंक मिल रहा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आप अच्छी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कहीं काउंटर है कुछ, यहाँ पर काउंटर ये लगा हुआ है, ये 2284 बैकलिंक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2284 लाइव बैकलिंक्स आपको दिख रहे हैं और बहुत डिटेल है, जितने भी चाहें आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इतनी डिटेल्ड बैकलिंक प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर न्यू बैकलिंक्स जो आपने एक्वायर किए वो भी, और ऊपर देखेंगे तो आपको उसी टाइप के फिल्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो डेट वाइज आप मंथ वाइज कितने बैकलिंक्स एक्वायर कर रहे हैं वो सारे दिए हुए हैं, कौन सा बैकलिंक कब मिल रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे नया बैकलिंक बना हुआ है 2 डेज पहले फाउंड है तो वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लॉस्ट बैकलिंक्स की पूरी प्रोफाइल आपको दिखेगी, अगर आपने लॉस्ट किए कोई बैकलिंक्स तो वो दिखेंगे, ब्रोकन जो बैकलिंक्स हैं वो भी दिखेंगे। तो बैकलिंक्स के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हो सकती है वो सभी दिख रही हैं। अगर आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे एक बार अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा रेफरिंग पेज कौन सा है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एंकर्स की अगर आप स्टडी करना चाहें तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आप देखेंगे कि जो आपके लाइव एंकर्स हैं वो कौन कौन से, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके वर्ड्स के हिसाब से, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई 2 वर्ड वाला एंकर टेक्स्ट कौन सा है, मेरा 1 वर्ड वाला कौन सा है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। तो बैकलिंक से रिलेटेड कुछ भी बचता नहीं है, साथ ही साथ डू फॉलो नो फॉलो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, पता ही चल जाता है। देन रेफरिंग आईपीस, ठीक है, जो भी रेफरिंग पेजेस हैं उनकी आईपीस के बेसिस पे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको जो है आईपीस से रिलेटेड कुछ ब्लॉक करना है या कुछ चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, किस आईपी से आपको कितने बैकलिंक्स मिल रहे हैं। इंटरनल बैकलिंक्स का भी न्यू फीचर है, आपको यहाँ पर उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी। देन लिंक इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो आप अपने यहाँ पर कॉम्पिटिटर का या कोई भी दूसरे डोमेन्स अगर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डोमेन्स के ऊपर जो लिंक प्रोफाइल्स हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर एक कोई लिंक बना हुआ है, एक कोई लिंक है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट एक्स है उसके लिए है, तो अगर वही लिंक एक दूसरी वेबसाइट है जो वाई है उसके लिए होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली लिंक इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी बात मैंने मौज वाला एक वीडियो था किस तरीके से मौज में लिंक इंटरसेक्ट टूल काम करता है उसमें मैंने बताया था, तो उसमें मैंने इसकी बेसिक्स की बात करी थी। वही फंक्शन है, वो यहाँ आरएफ्स में भी दिया हुआ है, वो वहाँ मौज में भी था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च, ये तो बैकलिंक की बात हो गई। अब बैकलिंक में इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने बात बताई ना कि अगर आप इमेजिन करते कि यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर है और उसके सारे बैकलिंक्स के बारे में आपको पता चल जाता, और ये तक पता चल जाता कि उसके जो बैकलिंक्स उसने एक्वायर किए वो रेफरिंग पेजेस की क्या वैल्यू है, तो बहुत डिटेल है। मतलब जहाँ जिस तरीके से आप काम करना चाहें बैकलिंक से ऊपर, उस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। पूरी जो मैं बात कहूँगा सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं यहाँ पर। अगर हम ऑर्गेनिक सर्च में देखें तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक सर्च में ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और ये जो यहाँ पर डोमेन है इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो पोजीशन वाइज अगर आप फिल्टर करना चाहें तो पोजीशन वाइज फिल्टर कर सकते हैं। वॉल्यूम, ये सारे वही बेसिक हैं, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी। तो थोड़ा सा वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है, इसका ये वॉल्यूम है, कॉस्ट पर क्लिक, ट्रैफिक, इसकी पोजीशन, इस पर हमारा ये वाला URL रैंक करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, राइट। तो ये भी पता चल जाता है कहाँ पर रैंक करता है, तो एक्चुअली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो और ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेल पता चलेगी कि ये थ्रू डिफरेंट डेज ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था अभी तक, ठीक है। आपकी वेबसाइट या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट किन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए एक बार जैसे यहाँ पर इसको लाइव टेस्ट करना चाहें अगर आप कर सकते हैं। पोजिशन 2 पे ये आ रहा है HTML क्विज, मैं यहाँ पर एक बार टाइप करता हूँ, यहाँ पर पोजिशन 2 पे HTML क्विज से हमारी वेबसाइट आ रही है या नहीं, तो मैं टाइप करता हूँ, ये देखिए WS CubeTech Quiz SEO, तो ये जो है बहुत एक्यूरेट बताता है। अब ये चीज़ आप बार बार मैनुअली किन्हीं कीवर्ड्स पे जाके तो चेक नहीं कर सकते कि हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक करी कहाँ नहीं रैंक करी, यहीं से चेक करना पड़ेगा। सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल में ले लीजिए, जिस तरीके से रिपोर्ट बनानी है उस तरीके से रिपोर्ट बनाने के, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया की और इंडिया में किन किन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट रैंक हो रही वो, बाकी जो दूसरे देश हैं उसमें, और चाहे तो और भी यहाँ पर कंट्रीज हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। बट हमारी प्रायोरिटी तो बेसिकली इंडिया ही है तो मैं इंडिया ही देख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार, जो ये थ्रू आउट द जो टाइम है उसका जो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा था अभी वो, तो ये 3 मेन कीवर्ड्स अगर आपको देखा जाए 3 पे हम रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ये HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी 8th पोजीशन पे हमारा डोमेन रैंक करता है, ठीक है, और WS CubeTech पे डेफिनेटली 1st पे ही आएगा, ठीक है। अब ये भी देखना होगा कि ट्रैफिक किससे आ रहा है, किससे ज़्यादा आ रहा है, किससे कम आ रहा है, तो इससे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है इस कीवर्ड का, तो इसके बेसिस पे जब आप अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे कॉम्पिटिटर का, ये देखो ये जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम इतना हाई है, ठीक है।
तो उस अगर वहां पर बहुत हाई है और उससे ट्रैफिक भी उसी रेशियो में आएगा, ठीक है, अगर ज्यादा देखिए ज्यादा वॉल्यूम होगा किसी कीवर्ड सर्च का तो डेफिनेटली उसके उसके थ्रू जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगा वो भी काफी हाई ही होगा, ठीक है। न्यू है देन टॉप पेजेस, तो हमारे डोमेन के अंदर हमारे कौन से पेजेस हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रैफिक जो है सबसे ज्यादा हमारे होम पेज पे आ रहा है, ठीक है, और हमारा होम पेज A181 कीवर्ड्स पे रैंक करता है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है ना ये एक्चुअली 100 टॉप 100 रिजल्ट्स के लिए होती है, कि आपका पेज जो रैंक कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई 181 कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, तो कहाँ किस पोजीशन में रैंक कर रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये ऐसे तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो वो टॉप 100 में जहां पे भी रैंक करता है वो बता देता है आपको टॉप कीवर्ड कौन सा है, ये इससे वॉल्यूम इतनी मिल रही है और इससे इतनी पोजीशन मिल रही है। तो ये जो एनालिसिस वो क्या है कि भाई हमारा पेज जो है, हमारे जो डिफरेंट पेजेस हैं वो किस ऑर्डर में रैंक कर रहे हैं, उन पेजेस को रैंक कराने का सबसे टॉप कीवर्ड कौन सा है, वो कितने कीवर्ड्स हैं जो उस पेज को रैंक करा देते हैं, उसकी वैल्यू यानी कि अगर यही पेज हमारा रैंक हो रहा होता एड्स में तो हम कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इतने ट्रैफिक, इतने वॉल्यूम और इन सारी चीज़ों के लिए पोजीशंस भी दी हुई है। टॉप पेजेस, टॉप सब फोल्डर्स इसी तरीके से काम करता है, टॉप सब डोमेन्स इसी तरीके से, कॉम्पीटिंग डोमेन्स, ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मुझे एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को, बहुत बेसिक्स हैं। बट यहाँ पर मैं एक बार कॉम्पीटिंग डोमेन्स आपको दिखा देता हूँ। कीवर्ड्स यूनिक टू टारगेट, कीवर्ड्स कॉमन, मतलब हमारे में और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें जो कॉमन है, और कॉम्पिटिटर क्या है ये, अभी इसने कैसे कॉम्पिटिटर उठाया, इसको कैसे पता कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, भाई जो भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपके आसपास है वो आपका कॉम्पिटिटर है, बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको जाके बताऊंगा। हाँ, टूल्स में ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जब आपको बताना पड़ता है उसको जाके कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको जाके उसको बताने की देखो भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है। कई बार जो मेन जो सही तरीका है कॉम्पिटिटर फाइंड करने को यही है कि अगर आपको आपके जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो आपके आसपास आता है, आपके ऊपर पोजीशन में आता है, आपके नीचे पोजीशन में, वही आपका कॉम्पिटिटर, तो वही सारी चीज़ें ये उठा लेता है यहाँ से और उसी के बेसिस के ऊपर ये यूनिक कीवर्ड्स यूनिक टू टारगेट दिखा रहा है, कॉमन जो कीवर्ड्स है वो दिखा रहा है, कॉमन कीवर्ड्स का परसेंटेज दिखा रहा है, यूनिक कीवर्ड्स कीवर्ड्स यूनिक टू कॉम्पिटिटर वो दिखा रहा है। तो ये चीज़ देख रहे हो आप, ये सारा चीज़ें हैं यहाँ पर। इंटरसेक्शन ग्राफ भी देखो तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन ग्राफ हाई है, तो ऐसे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, पूरे कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो पूरे कॉम्पीटिंग पेजेस का आपको उसी टाइप का एनालिसिस देखने को मिल जाएगी। ये इंडिया पेजेस हैं, अब यहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं, बेस्ट बाय लिंक्स, पेजेस विच आर परफॉर्मिंग बेस्ट बाय लिंक्स, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक अगर हम लिंक्स प्रोफाइल की बात करें तो लिंक्स प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कौन सा पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि अगर हमारे होम पेज की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, जो हमारा डोमेन है या हमारा होम पेज है, अगर होम यूआरएल है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के जो दूसरे पेजेस हैं उनको भी अच्छी वैल्यू मिलने लगती है। बेस्ट बाय लिंक्स ग्रोथ, अब यहाँ पर दूसरा लिंक्स ग्रोथ का ऑप्शन है, तो लिंक्स ग्रोथ के बेसिस पर आप देखेंगे तो ये वाला पेज, मतलब ये जो हमारे होम पेज है वही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देन आउटगोइंग लिंक्स है, तो लिंक डोमेन्स, एंकर्स, ब्रोकन लिंक्स, इनकी पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो यही था कि अगर आप आरिप्स का साइट एक्सप्लोरर टूल यूज करना चाहते तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप बैक लिंक्स को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं, ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से साइट एक्सप्लोरर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। और अभी आपने देखा ही कितने डीप और डिटेल में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी आउटगोइंग लिंक्स की इन्फॉर्मेशन है, लिंक डोमेन्स, एंकर्स, ब्रोकन लिंक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और पेड सर्च की अगर आप बात करें तो पीपीसी के कीवर्ड्स, एड्स, टॉप लैंडिंग पेजेस, ये सारे दिखाई देते हैं, बट हमने क्योंकि अभी इस डोमेन के ऊपर कोई चलाया नहीं इसलिए यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। चलिए एक बार किसी कॉम्पिटिटर का नाम यहाँ पर एंटर करते हैं, यानी डोमेन एंटर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर पीपीसी में किस तरीके से रिजल्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर इंडिया टाइम्स डाला, अब इंडिया टाइम्स की आरएफ्स रैंक और आप देखोगे तो सारी चीज़ें बड़ी इंक्रीज है, ठीक है। तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो चीज़ें भी इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के भी ऑप्शन है अलग अलग फॉर्मेट में आपको। हम बात कर रहे थे थोड़ा सा पेड सर्च के बारे में, तो एक बार पेड सर्च पे आते हैं वापस। अब पेड सर्च में मैं गया हूँ तो पीपीसी कीवर्ड्स पे आप देखोगे तो किस तरीके से पीपीसी कीवर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है, और किस तरीके से उन कीवर्ड्स के थ्रू कितना ट्रैफिक किस यूआरएल पे आ रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा जो ये पेड एड्स चलाते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये एड जो है ना, ये एड जो है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एड आपको दिख रहा है। तो इससे अच्छी कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या हो सकती है, आप उसकी पेड भी देख सकते हो, उसके एड्स की भी पूरी एनालिसिस आप। तो सेकंड वाले ऑप्शन में जब मैं एड्स पर क्लिक करता हूँ तो आपको पूरे एड्स की पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस एड पर कितना
वॉल्यूम है, किस ऐड का ट्रैफिक कितना आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ रही है, कीवर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं जिस पे रैंक कर रहा है ये, ठीक है, और डेस्टिनेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, टॉप लैंडिंग पेजेस है। अब मैं यही बार बार कह रहा हूँ आपसे कि साइट एक्सप्लोरर बेस्ट है जिस वक्त आप अपने कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करना चाहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आरएफ्स का साइट एक्सप्लोरर किस तरीके से काम करता है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं हम लोग कीवर्ड एक्सप्लोरर किस तरीके से काम करता है, तो अगर कीवर्ड एक्सप्लोरर को देखना है आपको तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा, इससे पहले वाला वीडियो जो है आरएफ्स का जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और आप अभी आपको और ज़्यादा और भी वीडियोज़ मिलने वाले हैं जिसमें हम और जो दूसरे अलग अलग तरीके के पेड टूल्स हैं उनकी बात करेंगे, बहुत सारे पॉपुलर पेड टूल्स हैं उन सभी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर पाए। भाई अभी क्योंकि हम लोगों ने पहले आरएफ ही सेलेक्ट कर लिया है इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं हो सकती, बट आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको कंपेरेटिव एनालिसिस मिलेगी जहाँ पर मैं बात करूँगा देखो ये चीज़ वहाँ पर किस तरीके से थी आरएफ्स में, और ये जो मैं दूसरा टूल यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये चीज़ किस तरीके से आरएफ्स में क्या प्लस था, ये जो एक्स टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें क्या प्लस है, तो इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आशा करूँगा कि आपको वीडियोज़ पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अ वेरी गुड बाय।